राधा स्वामी गौड़ी पूर्वी महला पंजवां। किन बिद मिले गुसाई मेरे राम राए, किन बिद मिले गुसाई। आज 1 सितंबर का दिन 2020 गुरु दरबार विच पहुंचियां सारिया संगतां बड़े ही सन्मान दियां पात्र हन, बहुत ही वड्डे भागां वालियां हन जो अज 1 सितंबर 2020 गुरु महाराज के जन्मदिन की पूर्व संध्या ते हाजरी भरन आईया हन। सच्चे पातशाह सब दियां चोड़ियां खुशियां दे नाल भरपूर करे, अपने नाम नाल जुड़े। सो अज दा दिन जिहड़ा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल नूं संत बाबा देवा सिंह जी महाराज तरन तारण वालियां दा जन्मदिन है। अज पूर्व संध्या ते उन्हां दी याद विच इकत्तर होए हाँ। सो सारियां संगतां बहुत ही वधाई दियां पात्र हन, बहुत ही खुशियां भरिया दिन है। सच्चे पातशाह सब दियां चोड़ियां खुशियां दे नाल भरपूर करे। गुरु गोबिंद दो खड़े मैं काके लागू पाए, बलहारी गुर अपने जिन गोबिंद दियो मिलाए, बलहारी गुरु अपने जिन गोबिंद दियो मिलाए। ज्यों तिल माही तेल है ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। अज दा जो हुक्मनामा है वो पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की बाणी का है। महाराज लिखते ने किन विध मिले गोसाई मेरे राम राय, किन विध मिले गोसाई। जो व्यक्ति संसार दे विच आया है, जिसने भी इस संसार दे विच जन्म धारण किया है, हर एक दी इच्छा है कि मैं परमात्मा नूं पा लवां। हर एक इस खोज विच लग्या होया है कि रब किवें मिल सकता है। पता सब नूं है, अंदरों उबाल सब दे ही उठता है, लेकिन पा कोई नहीं सकता, क्योंकि ये राज जिहड़ा है वह संतां ने अपने कोल रख्या होया। किन विध मिले गोसाई मेरे राम राय, महाराज फरमाते ने वह केड़ी विधि है, वह केड़ा तरीका है, वह केड़ी जुगती है जिदे नाल परमेश्वर मिल सकता है, वह अकाल पुरख का दीदार हो सकता है। किन विध मिले गोसाई, बार बार ये कह रहे हैं कि वह किवें मिल सकता है। कोई विधि तो होएगी, कोई जुगत तो होएगी ना, क्योंकि संतां ने यह जुगत अपने कोल रखी है। कोई प्रेम करके उन्हां दी शरण च जांदा है, कोई प्रेम भाव दिखाउंदा है, तां संत कहिंदे आ सज्जना बैठ मेरे कोल मैं तैनूं युक्ति दस दिंदा, क्योंकि युक्ति जिहड़ी है संतां कोल ही आ। चाहे लख यतन कर लो दुनियावी लोकां कोल इह युक्ति नहीं। बस्त कहीं ढूंढे कहीं कहीं विधि आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब पेदीली जे साथ, पेदीली ना साथ कर दीनी बस्त लखाए, कोट जन्म का पंध था
पल में दिया मुकाय, कोट जन्म का पंद था पल में दिया मुकाय। किते होर पई है वस्तु, लभी किते होर जाने हैं। वस्तु तो साढ़े अंदर है, अंदर जमा किया होया महाराज नू, अंदर लकोया होया महाराज नू, अंदर रख के असी बाहर ढूंढते फिरते हैं। असी मंदरां गुरुद्वारों जाते फिरते हैं, जिते इकट्ठ है कोई सभा हो रही है, सानू लगता इत्थे किते परमात्मा मिल जाएगा। भई नहीं, उन्हें इन्ना औखा काम तो रखिया नहीं, उन्हें अपनी मूरत बना के असली मंदिर बना के इहदे च बैठ गया, लुक गया कि हुण मैनू ढूंढ ला। असी आम ही बच्चों नाल भी छोन छपाई लुकन मिची खेडदे आ कि मैं लुकदा तो तू मैनू लभ लई। उहो ही घर है, उहो ही जगह है, उहो ही समान है, वह किसे कोने च लुक जांदा है। दूजा बच्चा किन्ना चिर उसनू लभ नहीं सकता, फिर वह आवाजा मारदा है, वह तू किथे है मैनू थोड़ा थौ दे दे, वह लभदा नहीं। फिर वह कहिंदा भी मैं बाहर निकल आउंदा, कहिंदा मैं तो इत्थे ही बैठा सी। वह कहिंदा मैं इत्थे तो 10 वारी गेड़े मार गया, तू मैनू लभिया ही नहीं। एक बंदा साडे सामने लुक जाता है, असी उन्हू लभ नहीं सकते, असी उन्हू फड़ नहीं सकते। फिर वह अकाल पुरख जिहड़ा जी है, जंत दा वाली है, हर एक दे घट घट विच समाया होया। भई युक्ति तो बिना तो मिलना नहीं, युक्ति। नौवें पातशाह ने भी इस युक्ति की गल की है, उन्होंने भी बड़ा सुंदर लिखिया, माई मैं केहे विधि लख्यो गोसाई। हे माता, मैं उस गोसाई नू किवें लभां, किवें पावां, हालांकि 24 साल तपस्या की, भोरे च बैठ के बाहर नहीं आए, बड़ा मालक दे नाल जुड़े हुए सन, पर विधि माँ नू पुछदे ने, क्योंकि माँ सब तो पहला गुरु है। माँ जे कोई सानू गल समझ ना आवे, असी माँ दे कोल ही जा के फरियाद करदे हाँ, ते माँ ने साडी उह फरियाद सुन के साडी समस्या जिहड़ी है कोशिश करदी है कि छेती तो छेती दूर हो जाए, हल हो जाए। सो महाराज फरमाउंदे ने, माई मैं केहे विधि लख्यो गोसाई, माई मैं केहे विधि लख्यो गोसाई, महामोह अज्ञान तिमर मो, मन रहे ओ उरझाई। तिमर हुंदा नेरा, महामोह अज्ञान तिमर मो, मन रहे ओ उरझाई, माई मैं केहे विधि लख्यो गोसाई, सगल जन्म प्रम ही प्रम खो, नहीं अस्थिर मत पाई, सगल जन्म प्रम ही प्रम खो, नहीं अस्थिर मत पाई, बिखिया सकत रहो निसबासर, नह छूटी अधमाई। अधमाई हुंदा नीचता, बिखिया सकत रहो निसबासर, नह छूटी अधमाई, माई मैं केहे विधि लख्यो गोसाई, संत संग कबू नहीं कीना। जिन्ना चिर साधु का संघ नहीं किया, उन्ना चिर सानू परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये गुरु महाराज ने लिखा, जिन्ना चिर मर्जी जिन्ना मर्जी जोर ला लो, गुरु महाराज की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो कहने मैं कदे संतां का संघ किया ही नहीं। संत संग कबू नहीं कीना, नह कीरत प्रभ गाई, जन नानक मैं नाही को गुण, राख ले ओ सरनाई, राख ले ओ सरनाई,
माई मैं के विधि लख्यो गोसाई। जड़ी मर्जी महाराज की बाणी लै लो, जड़ा मर्जी शब्द लै लो, अत्यंत वैराग भरिया ते अत्यंत ही नम्रता भरिया शब्द होएगा। उन्होंने अपने आप नू किते भी महान कहन की कोशिश नहीं की, किते भी वडप्पन नहीं दिखाई। उन्होंने हमेशा साध संगत दा दास बनन की कोशिश की है, फिर भी असी उन्हां तो कुछ सीख नहीं रहे। सानू किते दो अखर आ जांदे आ, हंकार दे नाल भर जांदे आ असी कि मेरे वर्गा ज्ञानी ध्यानी कोई नहीं। उह जरा संतां नू वेखो जिन्हां ने इन्नी महान बाणी रच के साडे सामने रख दित्ती, अज असी उन्हां दा गुणगान भी कर रहे हाँ ते हंकार नाल भी भरे जा रहे हाँ। नहीं, उन्हां दी गल नू जिन्ना चिर अमल च नहीं लियावांगे, जिन्ना चिर साइंस का विद्यार्थी प्रैक्टिकल नहीं करता, जाके लैब दे विच प्रैक्टिकल नहीं करता, उन्ना चिर वह फेल है। जिन्नी मर्जी थ्योरेटिकल स्टडी करी जावे, थ्योरी पढ़ी जावे, जिन्ना चिर वह प्रैक्टिकल नहीं करता, वह साबित नहीं कर सकता कि यह गल एवें हो सकती है, वह फेल है। इस तरह ही असी भी अंदर मालक नूं ढूंढना है। थ्योरी पढ़ ली, सानू तरीका पता लग गया, संतां ने भी दस दिता, संतां ने सानू पढ़ा दिता, क्लास लगाई कि इदां मिलना है, प्रैक्टिकल फिर असी करना है। जे प्रैक्टिकल नहीं करोंगे वह मालक मिलता नहीं। राधा स्वामी मत का फर्क की है? कोई भी नहीं। ये गुरबाणी का एक एक जड़ा अखर है वह इन्हों दे शरदा का मजमून है, हदों वध शरदा जी इन्हों है। लेकिन एक गल कह के सिर्फ भोग नहीं पाते, गल्ला नहीं करते, ये फिर प्रैक्टिकल करन दे विच विश्वास रखते हैं कि हुण पढ़ लिया, आओ हुण बैठ के महाराज नूं याद करिए, वेखिए अंदर सुरत ला के शब्द नाल किवें जुड़िया जाता है। बस जदों असीं प्रैक्टिकल करांगे, संतां दे बोल हन, गल तां उन्हां ने फल देना है, उन्हां दी गल ने फल देना, उन्हां दे वचनां ने फल देना है। तू उन्हां दा हुक्म मन के बैठ जा, तैनूं कुछ नज़र आउंदा है या नहीं आउंदा, तू बैठा रह, तू उन्हां दे हुक्म दी तामील करनी है, तू बैठा रहना है, फिर देख तू संतां दा वचन मन के एक दिन निहाल हो जाएगा, मालो माल हो जाएगा, तेरे अंदर हीरे जवाहरात हन, ढेर लगे पए हन, बहुत कुछ है। प्रीतम दा पौना जे दीदार अंदर मार चाती, दुनिया दे छड़ दे झूठे ख्याल अंदर मार चाती, प्रीतम नू अंदर छिपा के टूंडे पे बाहर जाके, सतगुर नू अंदर छिपा के टूंडे पे बाहर जाके, एवें ना थां थां टकरा मार अंदर मार चाती, एवें ना थां थां टकरा मार अंदर मार चाती, सतगुर दा पौना जे दीदार अंदर मार चाती, प्रीतम दा पौना जे दीदार अंदर मार चाती। किन्ना सुंदर लिखा, अंदर दे देख नजारे प्रीतम पे अचल का मारे, अंदर दे देख नजारे प्रीतम पे अचल का मारे, चमकन पे हीरे लाल जवार अंदर मार चाती, चमकन पे हीरे लाल जवाहर अंदर मार चाती, सतगुर दा पौना जे दीदार अंदर मार चाती, दुनिया दे छड़ दे झूठे ख्याल अंदर मार चाती, अंदर चाती मार। ये कोई सतगुर ने सानू दसना है, ये कोई मालक दस रहे हैं जी। कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग दे बताई, कोई ऐसा, कोई पर्टिकुलर नहीं, कोई होवे, कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग दे बताई। हुन गल ए है, पंचम पातशाह फरमा रहे ने
कि मार्ग मैनू नहीं लभ रहा, कोई संत कोई महात्मा कोई करनी वाला होवे मैनू दस दवे कि मालिक तां इह तेरे अंदर बैठा है, फिर मैं उन्हां दा की देन दे सकदा हाँ। देखो दूसरी पातशाही श्री गुरु अंगद देव जी महाराज, जिन्हां दा अपना नाम घर दा पहला नाम भाई लहणा जी सी, सारा परिवार सब जहान ही लहणा जी कहिंदे सन। उन्होंने उन्हां दी एक छोटी जी नी कथा मैं सुनाउण लगी हाँ, ज़्यादा समा तो नहीं लवांगी, कि जदों किसी व्यक्ति नू किसी महात्मा नू लस्ट है कि मैं परमात्मा नू पाउणा है, फिर वह ढूंढदा है कि रब किवें मिल सकता है। उन्हां दी खडूर साहब छोटी जी हट्टी हुंदी सी लून तेल दी, छोटियां छोटियां हट्टियां थोड़ा जिहा सौदा लै जांदे सन, लोग अपना गुजारा चला लैंदे सन। इस तरह वह भी अपना छोटा जिहा काम चलाया होया सी, ते रब रब करदे सन, मालक दे नाल जुड़दे सन, पर अंदरों तांग सी कि गुरु का दर्शन किवें होवे। वो जानते सन ज्वाला जी, माता ज्वाला जी दे उन्हां दा पक्का सी कि साल च दो वारी या तीन वारी रख्या सी, जाना ही जाना है। सारे पिंड दे जिहड़े श्रद्धालु सन अपनी अपनी घोड़ियां लै के आउंदे सन ते वो चले जाते सन। इस तरह वो कई बार जीवन दे विच गए। एक दिन की होया, बाबा बुढ़ा जी महाराज दे परिवार दा जी उन्हां दा छोटा बेटा भाई भाना जी, वो किते उत्थे आए क्योंकि करतारपुर गुरु नानक देव जी दे दर्शन करन वास्ते संगतां नू नाल लैके जाया करदे सन। संगतां काफ़ी उन्हां दे नाल सन, गर्मी दा महीना सी, तुर के जा रहे सन, हौली हौली पंध कटदे किते ना किते आराम करदे और करतारपुर पहुँच जांदे सन, ते संगत काफ़ी सी। उन्हां ने खडूर साहब आके रुके, उत्थे एक बोर्ड सी, सारी संगत नू बोर्ड दे थले बिठा दिता, ते आप भाई लहणा जी की दुकान तो शक्कर लैन चले गए क्योंकि बहुत गर्मी सी कि ठंडे पानी च शक्कर घोल के पियाई जाए तो संगतां नू आराम मिल जाएगा। उन्होंने जाके भाई लहणा जी नू कहा, पहला तो नेत्र नाल नेत्र मिले, बड़ी खुशी हुई। उन्होंने लहणा जी नू देखिया, लहणा जी ने उन्होंने नेत्रां च झात मारी, नेत्र जुड़ गए। एक अजीब किस्म की जिहड़ी खिच सी दोनों पासे शुरू हो गई। उन्होंने बेनती की भाई लहणा जी नू, सजना मेरी संगत प्यासी है, मैं शक्कर लैन आया, 3 किलो शक्कर दे दो। वो कहिंदे लो, उन्होंने शक्कर तोली, एक मुट्ठी वध पा दी, तो 2 आने शक्कर दे लै लए। जो मुट्ठी वध पाई तो भाई पाना जी कहन लगे, मैं ये शक्कर नहीं ले जानी। कहिंदे की गल होगी, मेरा तो सुभा है ये मुट्ठी वध पाउण वाली गल जे तुहानूं शायद चंगी नहीं लगी, मैं तो हर एक नूं थोड़ा जिहा बाद च पा दिंदा। कहिंदे नहीं, मेरे गुरु का हुक्म है ना वध लैणा ते ना घट देना, जे किसे नूं देण लगे हो घट नहीं देना, जे किसे तो लैण लगे हो वध नहीं लैणा, जो है उन्ना ही करना है, उन्ना ही तोलना है, पैसे उन्ने दिते ने, ये शक्कर मैं नहीं लैणी। भाई लहणा जी कहन लगे, चलो ये मैं दोबारा तोल दिना। उन्होंने शक्कर दोबारा तोली, जिहड़ी मुट्ठी वध पाई सी वह बच गई, वह शक्कर लिया के संगतां नू जल छकाया। उन्होंने पूछया भाई लहणा जी ने, भी जिन्हां दा सिख जिहड़ा है इन्ना जबरदस्त है, इन्ना पहुँचया होया, काबिले तारीफ है, उन्हां दा गुरु किन्ना महान होएगा। कहिंदे सज्जना मैनू एक गल दस दे, तेरे गुरु किहड़े आ? कहिंदे मेरे गुरु गुरु नानक देव जी आ। संगतां उत्थे जा रही ने करतारपुर, उन्हां दे दर्शन करन वास्ते जा रही ने, उन्हां नू देख के संगतां नू जो शांति मिलेगी वह उन्हां नू ही पता है, उत्थे ही जा रहे हैं। कहिंदे अगे मैनू भी किसी ने दस्या सी, साडे पिंड च भाई जोत है वह जपजी साहब का पाठ सवेरे वेले करते ने, तो मैनू पता लग्या सी कि उन्हां दी बाणी है, उन्होंने भी गुरु नानक देव जी का ही जिक्र किया सी। उन्होंने बही चक्की, एड्रैस नोट कर लिया कि मैं भी जरूर जावांगा, मन च निश्चय कर लिया कि अज तो उस गल ते होर भी सही पा दित्ती इन्होंने, ये मैं गुरु नानक देव दे दर्शन जरूर करने। सो उन्होंने पानी ताणी पियाया, तुर पे भाई भाना जी संगतां नू लै के गुरु नानक देव जी दे डेरे प्रस्थान कर गए उतों। उस तो बाद हुण उन्हां नू चैन किवें आवे? भाई लहणा जी नू टका नहीं आ रहा, चैन नहीं आ रहा। उन्होंने
पहला ही प्रोग्राम बना लिया माता ते जान दा संगतां दे नाल के चलो आप ज्वाला जी चलीए, क्योंकि रस्ते च करतारपुर पैंदा सी। उन्होंने कहा पहला करतारपुर दर्शन करके फिर मैं ज्वाला जी जावांगा, एवें मैथों निकलिया नहीं जाना। उन्होंने आपो अपनियां घोड़ियां तैयार कर लियां, संघ नाल सी। जदों करतारपुर दे नेड़े लंघन लगे तां उन्हां नूं उन्होंने कहा, भाई लहणा जी ने जिहड़ा टोला सी नाल दा, कि तुसीं जाओ, मैं थोड़ा जिहा करतारपुर च कम है, मैं किसी नूं मिल के आना, उन्होंने मिल के मैं हुणे थोड़े नाल रल जाना। कहिंदे कोई गल नहीं, ठीक है। उन्होंने आपो अपनियां घोड़ियां चाले पाई रखियां, तुर पे ओह, कहिंदे ठीक है। तो भाई लहणा जी पिंड च वड़ गए, वड़दिआं सार पिंड च इक खूह सी, उस खूह दे उत्ते इक बजुर्ग बैठे ने, क्योंकि भाई गुरदास जी ने लिखिया है, चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सतगुर कोट पेंडा आगे होए लेत है। तू जरा तुर तो सही, उहदे दरबार वाले नूं कदम तो चक, वह तैनूं कोट पेंडा आगे होके लाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊँ पग साठ, जो तू करो काठ सो तो मैं लोहे की लाठ। जे कहना तू एक कदम चल के आएगा, मैं सठ कदम जाऊँगा। सिर्फ उन्होंने कहा मैं सठ कदम आऊँगा, जो तू करो काठ सो, जे तू लक्कड़ वर्गा करड़ा हो गया तो मैं लोहे की लाठ, तो मैं लोहे की लाठ हाँ। पर गुरु महाराज ने वो कहते, चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सतगुर कोट पेंडा आगे होए लेत। कोई दो चार दस नहीं, करोड़ों कदम अगे हो के वो ले जा रहे ने कि मैं अपने सिख नूं, इन्ना प्यार है एक सिख का, एक गुरु का अपने सिख दे नाल, कि वह करोड़ों कदम अगे हो के जाते हैं। तो गुरु नानक देव जी खूह ते बैठे ने, उन्होंने पुछते ने, भाई लहणा जी वो बजुर्ग बैठे ने, मतलब उन्होंने नहीं दसिया कि मैं कौन हाँ। भाई लहणा जी पुछते हैं, बजुर्गो बाबा जी इत्थे कोई करतारपुर डेरा है संतां दा, मैं उत्थे जाना। कहिंदे हाँ हाँ है सज्जना, आ मैं तैनूं लै चलना, मैनूं वाग फड़ा। काले पै गए बजुर्ग, काले पै गए कि किते घोड़ी तो उतर ना जावे। उन्होंने फटाफट घोड़ी दी वाग फड़ी, तो आप वो बजुर्ग अगे अगे जा रहे ने, तो भाई लहणा जी घोड़ी ते चढ़ दे। वो थोड़ा जिहा 500-400 कदम की दूरी पर डेरा सी, पहुँच गए तो वह कह लगे, सज्जना उत्थे घोड़ी बन्निया ते कमरे च आ जी। वह घोड़ी बन्नी, कमरे दे विच गए, वह जाके सीधे ही गुरु नानक देव जी नूं पुछदे ने, कहिंदे क्योंकि बजुर्ग नाल आए सी, वह कहिंदे भी गुरु नानक देव जी नूं मिलना, ते वह किहड़े ने। वह तो मुस्करा पए, ते नाल जिहड़े होर कुछ पिंड दे व्यक्ति बैठे सन, वह कहिंदे भी आखे तो है गुरु नानक देव जी। फिर उन्होंने जो पश्चाताप होया भाई लहणा जी नूं, वह उही जानते ने कि उन्होंने चरणा ते सिर रख दिता, ते नेत्रा नाल चरण धो दिते। विराग आ गया कि मेरी घोड़ी दी लगाम फड़ के आए ने, ये तो खुद गुरु नानक देव जी ने, यह की होया, मैं की कीता, मैं घोड़ी ते चढ़िया आ रहा सी। और रोणो चुप ना करन, उन्होंने सिर चुकया, कहिंदे सज्जना पुरखा तेरा नाँ की है? उन्होंने तो बोलिया नहीं गया। कहिंदे नहीं, रोना नहीं, कोई गल नहीं, तू मैनू नाम दस। वह कहिंदे मेरा नाम लहणा है। कहिंदे फिर तो रोण वाली गल ही कोई नहीं, तू लहणेदार है, मैं तेरा देनदार हाँ। लहणेदार घोड़ियाँ ते चढ़ के आते ने, ते देनदार लगाम फड़ के आते ने, तेनू रोण वाली केड़ी गल। उन्होंने ऐसे वचन किते, होर भी उन्हों का विराग वध गया, ते उन्होंने निश्चा कर लिया कि इतों मैं कित्थे जाना है। उतों जोगे ही होके रह गए, रात नू रहे। जो इतिहास दसदा है, जो सानू इतिहास दे विचों लभदा है, क्योंकि जे असी अंदरों मालक की प्राप्ति वास्ते जुट जाइए, कोई भी मज़हब कोई भी धर्म दो नहीं रहने, इक्को ही बन जाएगा, क्योंकि वह अंदर ही तो इशारा करते हैं कि परमेश्वर तेरे अंदर है। असी दो बनाए ने, तो सवेरे 4 बजे उठे, इशनान कीता उत्थे, ते बाहर खुला मैदान जा सी, बहुत खुला डेरा सी, ते एक बहुत ही सुंदर सजी सवारी औरत जिहड़ी है वह उत्थे झाड़ू दे रही सी, पूरी गहनियां नाल लद्दी हुई, पूरा श्रृंगार किया होया। भाई लहणा जी दंग रह गए कि इन्नी सवेरे एक बीबी अपने आप नूं इन्ना श्रृंगार के लैके आई है, ये कदों की उठी होएगी। उन्होंने हाथ जोड़े, कहिंदे बीबी तू कौन है, इन्नी सवेरे तू कल्ली आई है, तो इन्ना कुछ श्रृंगार करके तो इत्थे झाड़ू ला रही है? कहिंदी सज्जना तैनू पता नहीं, जिथे तू आया ना इत्थे मैं रोज़ ही आनी हाँ,
मेरे भगत मेरे को आते ने, मैं उन्होंने किन्ना कुछ दे सकती हाँ, मेरे को है इतों ही तो मैं गुरु नानक के डेरे चो कट्ठा करके ले जाना है तो जाके आपके भगतों को देना है। मतलब यह है कि वह भावना नाल आए थे कि मैं ज्वाला जी दर्शन करके आना, तो वह माता ने उत्थे ही दर्शन दे दिते कि आ चक वह भी तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई तो गुरु का दीदार भी हो गया। उन्होंने अंग गुरु लहना जी ने अपने अंग ना ला लिया, अंगत तो उदो ही कह दिता सी उन्होंने कि तू मेरा अंग है, पर बाद विच जदों उन्होंने प्रीक्षा लिया तो जो गुरु अंगद देव जी ही उन्हां इम्तिहानों के पास होए तो उन्होंने गुरु अंगद देव के नाम नाल ही नवाजा गया। अज असी गुरु अंगद देव जी के नाम नाल ही याद करते हैं। यह है खोज, यह है उस परमेशर की खोज कि वह कोल ही बैठा है लेकिन सानू लभदा नहीं। साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा, जानी अड़ा हर जानी अड़ा, नैन अलोड़ा हर जानड़िया, नैन अलोया कट कट सोया, हत अमृत प्रिया गूड़ा, नाल रहंदा लह ना सकंदा, स्वाओ न जाने मूड़ा, माया मदमाता होछी बाता, मिलन न जाई परम तड़ा, कहो नानक गुर बिन नहीं सूझे, हर साजन सब के निकट खड़ा, कहो नानक गुर बिन नहीं सूझे, हर साजन सब के निकट खड़ा, कहो नानक गुर बिन नहीं सूझे, हर साजन सब के निकट खड़ा। ओ प्रभु ओ परमेश्वर सब दे ही नेड़े खड़ा, दूर नहीं। असी दूर दियां गल्लां करदे हां, दूर की है, कुछ भी दूर नहीं, परमेश्वर साडे कोल है, बुक्कल च लकोया होया है, बुक्कल दे विच है, तेरी बुक्कल दे विच चोर, बुल्ले शाह ने लिखिया है, तेरी बुक्कल दे विच चोर कोई तो है, असी ढूंढदे हां बाहर। नी मैं ढूंढ दी बैरागण होई, सतगुरानू ढूंढ दी, ढूंढ ढूंढ थक गई गुरानू, नी किते देस फिरी परदेस, जी करदा कितो पकड़ लियावां, करके जोगन वाला वेस। नी मैं ढूंढ दी बैरागण होई, सतगुरानू ढूंढ दी, मिली जदों एक प्रेमी नू, कहंदा हाजर सदा हजूर, मिली जदों एक प्रेमी नू, कहंदा हाजर सदा हजूर, अंदर ले नेतर तू खोल, तेरी बुकल दे विच चोर। नी मैं ढूंढ दी बैरागण होई, सतगुरानू ढूंढ दी। असी होर ही किते ढूंढते फिरते हाँ, असी होर ही किते लभदे फिरे हाँ, फिरदे हाँ, वो तो साड़ी बुकल दे विच है, तेरी बुकल दे विच चोर। चोर क्यों क्या है? क्योंकि लुकया होया, वो साक्षात नज़र नहीं आ रहा, तां चोर क्या है। सो आओ अज संतां दी बाणी ते अमल करिए, ते उस लुके हुए मालक नू ढूंढन दी कोशिश करिए जी। अंतर अलख न जाई लख्या, विच पढ़दा हो में पाई। अंतर अलख, जो अंतर है वो अलख है, वो देखा नहीं जा सकता, ना जाई लख्या, देखा जा ही नहीं सकता, विच पर्दा हम मैं पाई। पहला तो है अंदर, अंदर किवें देखिए,
असी तो वैसे कुर्सी पर बैठे हैं ना, सानू अपनी कुर्सी के थले वेखना औखा हो जाता है, अपने गिरीबान झाती मारनी औखी हो जाती है, परमेश्वर नू पाउणा तो दूर की गल है, लेकिन फिर वो पर्दा रख्या होया पति ते परमात्मा, प्रेमी ते प्रेमका, आत्मा ते परमात्मा कदों दे कट्ठे हन, जन्मां जन्मां दे कट्ठे हन, कोट जन्म लंघ गए ये कट्ठे हन, पर ना कदे आत्मा ने परमात्मा नू देखिया ते ना ही परमात्मा ने कदे उहदे ते रहमत की, क्योंकि पर्दा है विच पर्दा है, वह पर्दा चक्या जाए, पर्दा कहदा है ये मन का पर्दा है, ये काल पड़ता है, मन काल का एजेंट है, इन्हें अपनी हुशियारी दिखाई हुई है, चाहता तो यह भी है, चाहता तो यह भी है कि मैं आत्मा के नाल लग के परमात्मा का दर्शन कर लवा, पर इनू एक बीमारी है जदों ये विषय विकारा च फस जाता है, इंद्रिया के विच दे संपर्क च आ जाता है तो यह इंद्रिया के अधीन हो जाता है, इंद्रिया विषय विकारा के अधीन है, फिर इनू लस्ट बढ़ जाती है कि मैं संसार के रस लै लवा फिर देखांगे परमेश्वर नूं तां फिर मिलांगे, ये नहीं, क्योंकि है मन भी शक्तिशाली, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, महाराज ने बाणी च लिखिया ये भी जोत स्वरूप है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, पर अपने मूल नूं पछाणदा नहीं कि मैं कित्थों आया तो किवें आत्मा दे नाल मैं संग करना है, बस इन्नी गल है। हाँ जे किते ये मन आत्मा दे कंट्रोल च आ जावे, आत्मा अपने कंट्रोल च कर लवे तो इहदी सीधी उडारी लग जाएगी, पर अफसोस इस गल दा है कि आत्मा मन नूं कंट्रोल कर लैंदी है, आत्मा अपना थां भुल के इस मन दे पिछे लग जाती है, वह कहिंदी मेरा खसम तां इहो ही है, उहनूं भुल जाती है, इहनूं अपना खसम मन लैंदी है, जिथे जांदा है आत्मा नाल ही जाती है, तो फिर इहनूं उहदे मुताबक जिहड़ा कर्म भुगतान है वह करना पैंदा है, वो कर्म जिहड़ा वो भुगतना पैंदा, भुगतना आत्मा नूं पैंदा, कीता मन ने आ भुगतान तो इहनूं चुकाउणा पएगा, करना पएगा, होर जीवन धारने पैणे आ। देखो साडा मन खाहिशां दा लज्जत दा आशक है, एक लज्जत लै ली चार होर तैयार है, वह भी लै लिया दस होर तैयार है, वह पूरिया नहीं होइयां भी होर तैयार है, मतलब कोई लज्जत पूरी होवे या ना होवे इहदी होर दी डिमांड जिहड़ी है वह वधदी जांदी है, इहदा मतलब एक इन्ना स्टॉक इकट्ठा कर लैंदा हुण उहने तो पूरा करना, जे बाणी च लिखिया ना जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, तां एक भी ख्वाहिश जिहड़ी है वह रहनी नहीं, वह पूरी होएगी ही होएगी, इस करके कहिंदे ने जरा सोच के मंग, जो मांग है तू मंगेगा, 70 साल की उम्र च जाके जे कोई ये आखे कि मेरे बच्चा नहीं होया, जे मेरे भी बाल गोपाल कोई हुंदा दुनिया च मेरा भी ना हुंदा, वह कहना भी ये मन च खाहश आ गई, चल अगला जन्म दे देना, हुण तू जो न्याणे जम्मी जा जिन्ने मर्जी हो जाण, उहदी डंज ला देनी है, एक नहीं कई कई अनेक न्याणे जिहड़े हो जाते हैं, वह कहना जो मांगे तू मंगिया ही सी मैं तैनूं दे दिता, उन्हें नहीं विचारिया क्योंकि साड़ी खाश सी पूरी करती, जेड़ी खाश इस जन्म च पूरी हो सकती है मंग भी लिया वह साड़ी पूरी हो गई, वह खाश जेड़ी इस जन्म च पूरी नहीं हो सकती अगले जन्म च पूरी हो सकती होएगी क्योंकि समा नहीं, तो वह सोच के मंगना चाहिए कि कितने मैं यदा भुगतान जोड़ा है होर जन्म लैके ना करना पवे, एवें नहीं महाराज ने कहा जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवै, दो ही तो जहान है, इस जिंदगी के दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इस इन दो जहां के दरमियान एक संस्कार है फासला, घर चल रहा तो ये जहां, घर रुक गया तो वो जहां, इन्नी गल है, उत्थे जाके पूरा हो जूगा, नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवै, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, चतुर दिशा चार दिशावां ने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम,
चतुर दिशा की नो बल अपना सिर ऊपर करता रहो, कृपा कटाख अब लोकन की नो दास का दुख बिदार हो, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देव, हर जन राखे गुर गोबिंद राखे गुर गोबिंद, कंठ लाए अब गुण सब मेटे दयाल पुरख बखसंद, कंठ लाए अब गुण सब मेटे दयाल पुरख बखसंद, जो मांगे ठाकुर अपने दे सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे, जो मांगे ठाकुर अपने दे सोई सोई देवे, उही दे देना। सोचो मंगो की मंगना है, सच्चे पातशाह मैनू तू मिल जा, मालक तो मालक नू ही मंगो, बस सब कुछ ही आ गया। जे खजाने दे मालक नू मंग लिया, खजाना दे मालक साढ़े कोल आ गया, तो वक्रिया वक्रिया चाबियां लैन की सानू केड़ी लोड़ है, मालक ही साढ़े कोल है, जेड़ी चीज़ मंगांगे वह चाबी फड़ा के खोल के सानू दे देगा। साड़ी तो मंग ही पुठी है कि असी चीज़ा मंगते हाँ, मालक नू मंगो चीज़ा नू ना मंगो जी। माया मोह सबो जग सोया, एह परम कहो क्यों जाई। माया मोह सबो जग सोया, एह परम कहो क्यों जाई। कहने माया मोह दे विच संसार फसया, सारा संसार माया मोह दे विच फसया होया है, एह परम किवें जा सकता है। एक परम है और कुछ नहीं, जिदे कोल 100 रुपया रोज़ की कमाई है और रोटी खा के सौंदा, वो करोड़पति नालों घट नहीं, क्योंकि हो सकता है करोड़पति नूं शुगर की बीमारी होवे, उहदे अगे पए गुलाब जामुन ते रसगुल्ले उहदे मन नूं तरसा रहे ने क्योंकि उहनूं शुगर की बीमारी है, पर पैसा बहुत है। लेकिन एक गरीब जिहड़ा 100 रुपया कमा के लियांदा है, उहदे कोल जिन्ने मर्जी रसगुल्ले ते गुलाब जामुन पए ने, वह आराम नाल खा लेगा, शौक पूरे कर लेगा, ढिड भर के वह भी सौंदा, ढिड भर के अमीर भी सौंदा। फिर तैनू लास्ट गा दी, एक भुलेखा है, एक परम है जिदे विच दुनिया खुबी पई है, ये भुलेखे नू छड्ड दिए तेर मेर खत्म हो जाए, आपसी प्यार पैदा हो जाए। अज जो प्यार की कमी है वह सिर्फ ये है कि वह उच्चा है, फलाना नीवा है, मैं बहुत उच्चा हाँ, मेरे नाल तो कोई मेल ही नहीं खाता, ना कोई उच्चा तो ना कोई नीवा, क्योंकि मैं तो सारे नालों उच्चा हाँ। जो ये भावना आ गई तो कहिंदे रुख हनेरी डेगी जाए का आनंद मनाए, जिहड़ा उच्चा है वह डिग जाता है। टोए ने टिब्बे ने टोए नू पुछया तैं की कर्म कमाए, टोए दे कर्म चंगे हन, टिब्बा सवाल करदा टिब्बा उच्चा है, टिब्बे ने टोए नू पुछया तैं की कर्म कमाए, झांबा वजे मेरे सिर ते पानी तुद्वा लाए, उत्तर मिलिया नीवे होया रहीए बड़े सुखाले, रुख हनेरी डेगी जाए का आनंद मनाए। वड्डे वड्डे रुखां नू हनेरी डेग के लै जांदी है, घा तो मौजां करदा, वह तो कितें जांदा ही नहीं उड के। सो इस करके कहिंदा नीवें होना बड़ा वधिया, बई माया मोह जे किसी नू माया दित्ती है तो मालक का शुकराना करो, कुछ गरीबां नू भी दान कर दिओ, तेरे कोल मुकनी नहीं। जे माया गुरु नानक देव जी नू चाहीदी हुंदी तां उहनां नू की लोड़ सी, मोती तो मंदर उसरे रत्नी तो होयो जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन ली पावे चाओ, मत देख पूला विसरे तेरा चित ना आवे नाओ, हर बन जी बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देखिया अगर ना ही थाओ। वो तो बिना कोई थां नहीं, मैं पैसा की करना है, जे पैसा आके मैं उस मालक नू भुल गया, क्योंकि पैसा किसे नाल लिहाज नहीं करता। जदों असी नजायज़ पैसा जमा कर लवेंगे, कट्ठा कर लवेंगे, उही पैसा
साडा दुश्मन बन के आ जाएगा। किवें? बीमारी हो गई, उही पैसा बीमारी ते फटाफट निकल गया, कोई घाटा पै गया, कोई ऐसी विपता आ गई कि मेरे को पैसा है फटाफट असी फड़ा दिने हथा नाल। सो कहने भी इन्हां चीज़ों तो बचन वास्ते पहले ही जो है तू गुरु महाराज दे अर्पण करदा जा। जे असी किते गुरु महाराज दे लेखे 100-50 किते मत्था टेक भी दिने आ, फिर साडी गर्दन आकड़ जाती है, वह नीवी नहीं होंगी कि मैं तो बड़ी वड्डी सेवा करे आया ना। देन वाला वो है वस्तु वो दी है, जिसकी वस्त सागे राख है, प्रभ की आज्ञा मानने माथ है, उससे चौगन करे निहाल, नानक साहब सदा दया। जे ओदी वस्तु ओनू दे भी दिती तो होर की चाहिए, जिसकी वस्त तिस आगे रख है, प्रभ की आज्ञा मानने माथ है, होर दे देगा क्यों? जेड़े तेनों 100 रुपया कमाया होता तू नमस्कार करती, उससे चौगन करे निहाल, 400 होर दे देना के तो सेवा कर रहा, उससे चौगन करे निहाल, नानक साहेब सदा दयाल जी। एका संगत एकत ग्रह बसते, मिल बात न करते पाई। एका संगत एकत ग्रह बसते, मिल बात न करते पाई। दोनों कट्ठे रह रहे हैं, कोट कोट जन्म बीत गए कट्ठे रह रहे हैं, पर कदे आज तक उन्होंने मिल के गल नहीं की, क्योंकि साधु तो पूछया ही नहीं, किसी संत महात्मा का दीदार होया ही नहीं। अज हर थां ते जिथे खड़ो ना, एक व्यक्ति दूजे मजहब की निंदा करी जांदा, वह तीजे मजहब की निंदा करी जांदा, वह बई गल तो है कि है वह अंदर ही। जदों सारे जने, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है चाहे सिख है चाहे ईसाई है चाहे कोई राधा स्वामी है चाहे निरंकारी है कोई भी है, सब ने जे अपने अंदरों ढूंढन दे यतन किया, क्योंकि सारे संतों ने एको मत दसिया है कि बई वह तेरे अंदर है, अंदर है। असी कह कह के तो देखो कहन नाल कुछ नहीं होना, जे असी कह कह के डंडौत ढंडोरा पिट पिट के असी रौला पा पा के कहीए कि रब साढ़े अंदर है तो कुछ भी नहीं बनया। तुसी टाइम टेबल लियाओ रेलवे स्टेशन तो, किताब टाइम टेबल दे विच सारा कुछ लिखा होया, आ गड्डी इन्ने बजे चलेगी, इन्ने बजे फलाने स्टेशन पर पहुँच जाएगी। एक व्यक्ति रट्टा लाई फिरदा सारी दी सारी किताब नू, पर उन्हें सफ़र कोई नहीं किया, उत्थे बैठा ना गड्डी चढ़िया ते ना मंजिल लई, क्यों? वह सिर्फ पढ़ी जांदा, वह मेरे वर्गा पढ़ी जांदा है, वह करदा कुछ नहीं। जदों किते वह इक्को एक गड्डी का भी टाइम टेबल उन्हें देख के उस गड्डी ते पैर रख लिया कि मैं बॉम्बे जाना है, तो वह बॉम्बे पहुँच गया, तो वेखो उन्हें अमल किया तो फटाफट गड्डी की टिकट कटाई तो बॉम्बे पहुँच गया। सो यह है कि जिन्ना चिर असी टिकट कटा के उहदे च बैठते नहीं, ये टिकट किने कटनी है? मालिक ने कटनी है। जिन्ना चिर असी उहदी नौका दे विच बैठते नहीं, वह पार किवें करेगा? नौकर तो बहना पेगा, वो चरण शरण तो लैनी पेगी। सो आओ अज निश्चा करिए कि गुरु महाराज ने साडे ते बड़ी कृपा की है, असी उन्हां दी रहमत का फायदा उठाते हुए मालक तो मालक नू ही मंग लईए जी। एक बसत बिन पंच दुहेले, ओ बसत अगोचर ठाई। एक बस्त बिन पंच दुहेले, ओ बस्त अगोचर ठाई। अंदर साडे अमृत वसदा, अमृत बरसे बिजली चमके, हे शब्द जड़ा है अंदर अमृत बरस रहा है, इक्को ही चीज है वह। एक बस्त बिन पंच दुहेले, ये काम क्रोध लोभ मोह हंकार शांत कदों होणगे? जदों अमृत पीणगे, जदों इन्हां नूं अमृत की प्राप्ति हो जाएगी, ये पता ही नहीं बंजे कित्थे चले जाणगे, गायब हो जाणगे। इन्हों भी लौड़ है वह बस्त अगोचर, अगोचर हुंदा है जिथे तक साड़ी पहुँच ना होवे, गोचर साड़ी पहुँच है, वह मेरे गोचरा काम, असी आम ही कह दें मेरा गोचरा कोई काम, मतलब जड़ा मेरी पहुँच च होवे, अगोचर जड़ा मेरी पहुँच तो बहर होवे। वह बस्त अगोचर ठाई, वह वस्तु जिहड़ी है अगोचर थां ते पई है, अपहुँच थां ते पई है, असी पहुँच नहीं सकते। कोई जरा क लड़ फड़ाएगा, जरा क सानू इशारा करेगा, वह उस वेले सानू साड़ी पहुँच हो जानी है। कोई वस्त गुम जाती है, असी टकरा मार मार थक जाने, जिन्हें रखी है वह चाक के पला परे करके कहना आ देखो भई, फिर असी सोचते असी इन्ना चिर खराब ही किया बर्बाद ही किया, एवें जन्म है साडा, जन्म एवें बर्बाद हो रहा,
ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿਅਰਥ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਅਰਥਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਟੂੰਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੇ ਵਰਸਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਨ ਦੀਆ ਤਾਲਾ, ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸੋ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਸ ਦੀਆ ਤਾਲਾ, ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸਿਉ ਪਾਈ। ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਘਰ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕੁੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿੰਦਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਤਿਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਿਰਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਂਗ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆ ਸੱਜਣਾ, ਆ ਚੱਕ ਕੁੰਜੀ, ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਕੁੰਜੀ ਬਰਦਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਬਰਦਾਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁੰਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਫੜਾ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਦੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚਾਬੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈ, ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਰਦ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਦ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਦੇਵ 12 ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਰਿਸ਼ੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਵਸਤੂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਇਆ ਕਰੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ, ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗੁਰੂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ, ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਗ੍ਰਿਸਤੀ, ਮੈਂ ਤਿਆਗੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ 12 ਵਾਰ ਆਏ, 12 ਵਾਰ ਮੁੜ ਆਇਆ, 14 ਕਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ 14 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ, 12 ਕਲਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿਰਫ 2 ਕਲਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਨਾਰਦ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ 13ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਮੁੜ ਜਾਵੇ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੋਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਨਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੱਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਨ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੋਕਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
तो सुखदेव मुनि कह लगे वो बुजुर्ग नू कहिंदे बुजुर्गो बुढ़े बारे ना दिमाग भी काम करनों हट जांदा है तुसी जिहड़ा पानी इहदे च पानी च मिट्टी पाई जांदे हो पानी रोड़ के लै जांदा तुसी पहला छोटियां छोटियां लकड़ा रखो उत्ते मोटे डले रखो फिर बरीक मिट्टी पायो एदा पुल बन जाएगा तो तुसी पार हो जाओगे तुसी क्यों समा खराब किया। तो बुजुर्ग बोलते ने क्योंकि नारद मुनि सन वह कहते भी मेरे नालों ज़्यादा मूर्ख तो वेद व्यास का पुत्र सुखदेव है जिहड़ा 12 कलां राज ही गवाया आ अजे तक उन्हें गुरु धारण नहीं किया। मैं तो अजे टोकरे ही 2-4 सुट्टे आ कोई गल नहीं। जदों उन्हें अख भवा के पिछों देखा उत्थे कोई बुजुर्ग नहीं सीगा वो हैरान हो गया कि तो मैनू शिक्षा दे गए। फिर हो गया राजा जनक जी कोले कि मैं अज गुरु धारण करना है। जिस वेले गए दरबार नूं कहा कि सुखदेव मुनि आए ने तो राजा जनक ने कहा बाहर खड़े रहन दो बाहर ही खड़े रहन दो। विश्वास नाल गया सी दृढ़ निश्चय नाल गया सी। उत्थे की सी उत्थे साई श्लोक रहिंदे सन उन्होंने कुछ पशु वगैरह रखे सन लिद लुद्ध इकट्ठी करके उत्थे वगा के मारदे सन। उत्थे खड़ा रहा तो अपनी लिद सुटदे रहे किन्ने किन्ने घोड़े रखे हुए सन तो वह उस लिद दे विच दब गया। राजे जनक नूं ख्याल आया कि बई सुखदेव मुनि नूं बुलाओ। जदों बुलाया उन्हें इशनान करवाया मंत्र दिता नाम दिता तो वो गुरमंत्र दिता वो निहाल हो गए। तो उस तो बाद वो अपने पिता को जाते हैं पिता को जाके पिता पूछते हैं वेद व्यास जी पुत्र गुरु धारण कर लिया कहते हाँ पिता जी कहते कहो जा वो चुप कहते सूरज वर्गा कहते नहीं पिता जी सूरज अग है मेरे गुरुदेव च अग नहीं चानन उन्ना ही है प्रकाश है उवें चमकते हैं लेकिन उन्हें शीतलता है अग्नि नहीं। कहने फिर चंद वर्गा कहने नहीं चंद शीतल जरूर है पर दाग है। फिर कहते किने वर्गा तेरा गुरु कहने मेरा गुरु अपने वर्गा ही है मेरे गुरु वर्गा होर कोई संसार ते नहीं गुरु वर्गा गुरु ही है होर कोई नहीं हो सकता। तो इन्नी सिफत की उन्होंने आके इस तरह है कि जदों डिग डिग के भी बंदा सवार हो जाए वह भी कुछ ना कुछ प्राप्त कर लैंदा। गुरु ते शंका करनी ये शुरू तो चली आ रही है रीत जिहड़ी है पर असी उस शंका तो बचना है असी अपने मन नूं धार के मन दे विच गुरु नूं धारण करना है कि मैं तेरा हो गया हुण तू रख बचा जो मर्जी का गुरु दे अर्पण कर दो सब कुछ तन मन धन सब सौंप गुरु को। जो कुछ भी है जो तो गुरु नूं देता मन है गुरु नूं देता फिर तन नूं किवें वरतोंगे तन नूं किवें वरतोंगे। उन्हें तो कहा मैं तेरे तन तो सेवा लैनी है जा भांड्यां च बह जा संगतां दी सेवा कर फिर वो ये कहे कि नहीं मेरा तो शरीर दुखदा तेरा शरीर कदों रह गया तू तो अर्पण कर चुकया तन भी अर्पण कर चुकया तेरा रह कित्थे गया मन भी उहदा है। जब सब कुछ गुरु नूं सौंप दिता फिर तेरा कुछ नहीं तू गुरु दा है। मैं वेखदी हाँ कई मंदरां दे विच आरती हुंदी है उत्थे एक शब्द है तन मन धन सब तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। कहता सुखाला ही काम है कहता बड़े खुश हो गए कि मैनू सारी आरती आउंदी सी तन मन धन सब तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तुहाडा ही सब कुछ तो लगी जांदा कहिंदे ना सारा कुछ तेरा पर कोठी हाथ लाई ना हाथ किसी नूं लाउण नहीं देना है सब कुछ तेरा। साडा ओ हाल है जो कुछ है गुरु दा है तू अपना मान जिहड़ा है अपनी अपनत जिहड़ी है वह खत्म कर दे जी। अनक उपाव करे नहीं पावे बिन सत गुरु सरनाई। अनक उपाव करे नहीं पावे बिन सतगुर सरनाई। देखो अद्धी तुक जड़ी है वह किधर नूं जांदी है साडे जप तप वल। अनेक उपाव करे नहीं पावे जप किते तप किते दान किते पाठ किते पूजा कीती सब कुछ किते अनेक उपाव किते कहिंदे नहीं तैनूं परमात्मा मिलिया नहीं बिन सतगुर सरनाई बिना सतगुर दी शरण गया इन्ना कुछ करन दे बावजूद भी परमात्मा नहीं मिलिया। मिलेगा तो गुरु की शरण च जाके मिलेगा वो सामने ये सारिया चीज़ा तुच्छ ने।
क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, जाके हृदय पाओ है दूजा, पाओ है दूजा। रे जन मन माधो स्यों लाये, रे जन मन माधो स्यों लाये। साफ के क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, जदों भुख दे विच तुसी भगती करदे हो व्रत तो बन जाता है। वह इस तो वधिया व्रत की भुख, रोटी मिली नहीं तुसी मालक दे याद च जुड़ गए, सच्चे पातशाह तेरी मौज है अज तू एवें रजाउणा, वह थोड़ा व्रत। असली व्रत वह है जिहड़ा भगती भोजन दे याद विच समा गई। थानू प्यास लगी है, पानी मिलिया नहीं, जल दी लोड़ है, जल नू याद कीता, वह भगती जल दे विच चली गई, चरनामृत बन गया। जरा जिन्ना कितें पानी मिलिया थोड़ी प्यास बुझ गई, क्यों? उहदे विच तुसी भगती जिहड़ी है उस पा दित्ती है, भगती चली गई है। उहदे च कोई सफ़र कर रहे हो, सिमरन दे विच जा रहे हो, वह सफ़र तीर्थ यात्रा बन जाएगा, क्योंकि भगती कर रहे हो। भगती हर एक थां ते काम करती है। संगीत सुन रहे हो, असीं कहने कि संगीत नाल मालक नहीं मिलता, क्योंकि संगीत अंदर हो रहा, पर उन्होंने नाल ये भी कहा कि जे संगीत दे विच भगती आ जाए, सच्ची मिची मन च विराग आ जाए, अखां चथरू आ जाए, तेरा मन जुड़ जाए, तो वह भगती जिहड़ी है संगीत च आ गई, तो थोड़ा जिहड़ा जीवन है वह सफल हो गया, वह कीर्तन बन गया। वह संगीत दे विच भगती आ गई तो कीर्तन बन गया, कीर्तन दे विच भगती है ही है। सो इस तरह भगती जिहड़ी आ हर एक थां ते होनी चाहीदी है, उहदे वास्ते चंगी मंदी जगह कोई नहीं। जिथे मर्जी, कई लोग कहते हैं असी बाथरूम चले गए सी उत्थे पाठ बंद करना पैना, मैं पहला पाठ शुरू ही नहीं किया क्योंकि फिर मैं बाथरूम जाना। बई जद रब ना करे किसी के प्राण ही बाथरूम च निकल जाण, उत्थे रब नूं याद नहीं करोंगे? अंत समय जो याद करोगे उही मिलना है। अंत समय जो नारायण सिमरे, बदत त्रिलोचन ते नरमुक्ते, पीतांबर वाके हृदय बसे। जड़ा अंत समय की कितने आना है की पता, वो गंदी थां है, मंदी थां है, चंगी थां है, मालक नू छड़ना नहीं, क्योंकि कदे भी हीरा जड़ा है गंद च भी डिग पवे मैला नहीं हुंदा, सोना जड़ा है जिथे मर्जी डिग पवे वह मैला नहीं हुंदा, चाके धो लवांगे वरत लवांगे। ये नाम जड़ा है इहनू मैल नहीं लगदी, ये जिथे मर्जी बैठ के नाम जपो, नाम जपन की पूरी खुल है जी। जिनके बंधन काटे सतगुर, तिन साध संगत लिव लाई। हुण बंधन कटने साड़ी मौज नहीं, साड़ी मर्जी नहीं, साड़ी हिम्मत नहीं, साड़ी ताकत नहीं। जिनके बंधन काटे सतगुर, जे वह चाहे कि ये बंधन मैं कट देने हैं, इनू बंधना तो मुक्त कर देना, आ बंधन तो यदा छुटकारा कर देना, तिन साध संगत लिए बुलाई। उन्होंने फिर साधु साध संगत दे विच उन्हूं लै आउंदा कि चल तैनू उत्थे लै के चलना, वह प्रेरदा, क्योंकि वह चाहता है, गुरु खुद चाहता है कि ये जेडे बंधन ने वह कट्टे जाण, जे वह चाहे तो कट्टे जाने। फिर बेनती करो दे अगे सच्चे पातशाह, मैनू बंधन मुक्त कर दो। तू बंधन नहीं कट सकता, ना माया दे ना मोह दे, ये जाल जेडे च तू फसया होया ये कट्टे नहीं जा सकते, ये तो उहदी रहमत नाल ही कट्टे जाने जी। पंच जना मिल मंगल गाया, हर नानक भेद न पाई। पंच जना मिल मंगल गाया, कदों गाया मंगल? अंदर अमृत सी, अमृत प्रगट हो गया, अमृत की वर्षा हो रही है, अमृत की बूंद इस आत्मा नूं मिल गई, संतुष्टि हो गई, तो काम क्रोध शांत हो गए, तो पंजे नाम जड़े सी वह नच उठे, क्योंकि उन्हां काम क्रोध लोभ वो हंकार ने उन्हां पंजा नावां नूं भी रुकावट पाई हुई सी। वह पंज नाम, पंज शब्द का, पंज नाम का जड़ा शब्द है उहदे विच भी रुकावट पाई हुई सी, वह पंजे शब्द जड़े ने उछलने शुरू हो गए कि हुण सानूं मौज बन गई। सो नाम दे विच ताकत है, नाम दे विच शक्ति है, नाम दे विच बल है, वो नाम
जिहड़ा हर एक दे अंदर है, वह शक्ति हर एक दे अंदर है, कोई भी वह तो खाली नहीं। वो 24,000 श्वास सनवा रहे ने, 24,000 लाहा लै गए तो असी कुछ खट के चले गए, गुआ के चले गए तो खाली हाथ चले जावांगे। 24,000 रोज़ का घाटा पूरा मूल न थी वे, जिस बंदे नूं एडा घाटा वह बंदा क्यों जीवे, वो जीन का की फायदा। 24,000 का घाटा तो 24 पैसे भी गुम जान तो असी दिन च रोन लग जाने। इहनू ये नहीं पता कि 24,000 गुआ रहा मैं, तो यह 24 पैसों 10 पैसों रोन लग जाता है। इनू ये नहीं समझ कि 24,000 भी गुआए जा रहे हैं। कोई तो फायदा लै लो, कोई तो लाहा लै लो उन्होंने जी। मेरे राम राय इन बिद मिले गुसाई। सो परहे सच्चा पातशाह जे मिलना साध संगत तो इस तरीके दे नाल उस मालिक नू मिलिया जा सकता है जो उपर बयान किया है। संतां ने बड़ा खुल के बयान किया है कि जे परमेश्वर नू मिलना है उस राह ते तुर। पहला तो राह दा तैनू पता नहीं, फिर मन नू काबू करना वह तैनू पता नहीं, किवें जाना है ये तैनू पता नहीं। सो ये सारा कुछ पता करके साध सरन आ के, साधु की संगत आ के, नौवें पातशाह ने लिखे ना, संत संग कबो नहीं कीना, नहीं कीरत प्रभ गाई। मैं कदे साधु का संग नहीं किया, कदे कीरति उहदी गाई नहीं, मैं तैनू किवें मिल सकदा जिन्ना, क्योंकि वो कीर्ति कट्ठे होकर गाई जा सकती है, साध संगत दे विच ही गाई जा सकती है, कल्ले बैठ के नहीं गाई जा सकती। कल्ला तो सोच ही पै जूगा, जे परिवार के दो जी बैठे ने इधर उधर दी गल्लां करदे ने, कर भी सकते ने, रब के नाँ की गल भी कर सकते ने, जरूरी नहीं वह गल्लां करदे आ। जिहड़े रब के नाँ की रब के घर की गल करके चले जाते ने, वह लाहा लैके चले जाते हैं, वो अपना जीवन सफल करके चले जाते हैं। साडे सामने संतां ने अपने उदाहरण दिते ने, पर असी उत्थे दी उत्थे खड़े हाँ। 100 हाथ रस्सा ते सिरे ते गंढ, असी उत्थे दी उत्थे ही हाँ। जिन्ना मर्जी जोर ला लिया, असी अपने आप नूं तब्दील नहीं किया जी। सहज पया प्रम खिन मेहे नाठा, मिल ज्योति ज्योत समाई। सहज पया प्रम खिन मह नाठा, मिल ज्योति ज्योत समाई। फिर की होया, मैं जो गुरु महाराज के हुक्म के मुताबिक उन्हों का वचन फड़ लिया तो मेरी सहज समाधि लग गई। प्रम खिन मह नाठा, जोड़ा मेरे अंदरला भरम से वह दूर हो गया, मैं बिल्कुल शुद्ध हिरदा मेरा बन गया। जो शुद्ध निर्मल हिरदा हो गया, ऑटोमैटिक शब्द जड़ा है वह चलना शुरू हो जाता, दौड़ना शुरू हो जाता, वो उडारी पंछी की उडारी हो जाती है। जो जी करे सचखंड, जो जी करे शरीर दे विच आ जाता, वो ये सहज अवस्था है। उन्हें पता ही नहीं लगता कि किवें। गुरु महाराज बाबा बूटा सिंह जी जो खेत च ट्रैक्टर चलाते सन, तो उन्होंने आके संतां नूं कहना, गुरु महाराज बाबा देवा सिंह जी महाराज नूं, सच्चे पातशाह मैं तो थक गया, अज मैं बहुत थक गया, अज काम बहुत सी। कहिंदे उह बूटी क्या करदे सी लाड़ च, मेरी बूटी थक तो मैं भी गया। वह कहिंदे लै बाबा जी, वह बड़ा खुला खुले जे बोल पैंदे सन, क्योंकि वह कहिंदे जी मेरा माँ बाप भैन भाई जो है मेरे गुरु देव हन। कहते महाराज तुम इतने बैठे ही थक गए, मैं तो ट्रैक्टर चला के आया, तुम एवें कह दें मैं थक गया। और सज्जना तू ट्रैक्टर चला रहा तो मैं तेरी सेवा सचखंड खड़ता रहा, जिमें जिमें तू सेवा करता रहा मैं तेरी सेवा सचखंड लजांदा रहा, मैं लजा लजा के थक गया, तेरी सेवा बहुत वड्डी सी। तो उन्हां कोल कोई जवाब नहीं सी कि सच्चे पातशाह तेरियां तू ही जाने। साधु साडी जे कोई तिल फुल की सेवा करता है वह सचखंड लैके जाते हैं, बहुत वड्डा जड़ा सेवा का थां है, सेवा का थां बहुत वड्डा। वड्डा वड्डी सेवा किवें है, अपनी अप्रोच के मुताबिक जिहड़ी वड्डी होवे। ये नहीं कि कोई बंदा 2,000 रुपया मत्था टेक गया तो दूजे को है नहीं, कहे मैं एड्डी वड्डी सेवा नहीं कर सकता। तेरे को जिनी क सेवा है, जिन्ने क तेरे को पैसे हैं वो चो वो मुताबक दे देने, वो सेवा जी है वो बहुत वड्डी है। ये परम जड़ा है गुरु की शरण च जाके ही दूर हो सकता है, एवें दूर होना नहीं। सो सज्जनों,
ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮੁਝੇ ਇਸ ਕਾ ਗਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੁਝੇ ਇਸ ਕਾ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਜੁਸਤ ਜੂ ਮੇਂ ਮੇਰਾ ਕਾਰਵਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਜੁਸਤ ਜੂ ਹੁੰਦਾ ਖੋਜ, ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਖੋਜ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕਾਰਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਜੁਸਤ ਜੂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਲਓ ਲਾਸਟ। सहज पया ब्रह्म खिन में है नाठा, मिल ज्योति ज्योत समाई। सो एक बार फिर सारिया संगतां दा गुरु महाराज दी जन्मदिन दी पूर्व संध्या ते बहुत बहुत धन्यवाद है। जो कुछ साध संगत दे विचों तुसी झोलियां भर के लिजा रहे हो, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ ਨਰੈਣੀ ਸ਼ਰਾਧ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ।